अमित, क्योंकि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें यही देखा जाएगा कि किस तरीके से तमाम अहम मुद्दे उनको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन अमित, आप ये भी बताइएगा जरा, क्योंकि विपक्ष भी इस दौरान रहेगा, तमाम मुद्दे जो होंगे उस पर भी चर्चा होगी। अमित, आपके पास वापस लौटूंगी, सहयोगी विनीत भी हमारे साथ जुड़ गया है। विनीत, जरा बताइएगा, क्योंकि जो ये 5 दिन की बैठकें होंगी, जो संसद में चर्चा होगी तमाम मुद्दों तमाम विषयों पर, तो क्या एक बार फिर से हो हंगामा देखने को मिलेगा क्या? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी तरह से यह कोशिश होगी कि हो हंगामा ना हो, बल्कि जो विकास के मुद्दे हों उसको लेकर के चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है इसको लेकर के पहल करेगी। जैसा कि हम लगातार देखते हैं कि जब संसद का कोई भी सत्र आहूत होता है उसके पहले जो है वो सभी दलों के साथ बैठक होती है, और सरकार की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि हंगामा ना हो। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि अधीर रंजन चौधरी का जिस तरह से निलंबन हुआ था और उसके बाद कमेटी के पास गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि कल ही उनका निलंबन जो है वो वापस ले लिया गया। तो सरकार की ओर से भी पूरी प्रयास की जा रही है कि जो संसद का में जब चर्चा हो तो उस वक्त का जो माहौल हो वो इसमें अधिक से अधिक चर्चा हो, इसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसके बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी का जो निलंबन है उसे वापस ले लिया गया। तो सरकार की कोशिश है कि विपक्षी पार्टियों के भी जो अपनी बातें हैं उन्हें भी रखा जाए, और इसी कड़ी में हम इसको देख सकते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो है वो भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएगी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार जो है वो एक अमृतकाल में, जिस तरह से लगातार मोदी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो अमृतकाल में जिस तरह के विकास के कार्य हुए हैं उसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब भी जो संसद का सत्र बनता है शुरू होता है उसके पहले जब भी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते हैं कि अधिक से अधिक मुद्दों पर चर्चा हो, मंथन हो, ताकि कुछ उससे अमृत निकले जिसका फायदा जो है वो देश को मिले। तो निश्चित तौर पर इसी तरह की कवायद जो है वो की जाएगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम संसद के विशेष सत्र की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी जब मोदी काल में जब संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जीएसटी में जब लागू की गई थी उस वक्त मध्य रात्रि में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, और उस वक्त हमने देखा था कि सरकार की ओर से एक बड़ी कवायद के तौर पर, क्योंकि सरकार जो है एक गेम चेंजर के तौर पर इसे जीएसटी के लिए जो कानून बना था उसे अचंभित करने वाले फैसले, ऑर्डिनेंस या किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा इसी तरह से होती आई है, और इस बार क्या होने जा रहा है विनीत, उसके बस कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जोशी का ये ट्वीट है जो इस वक्त स्क्रीन पर है, मैं चाहूंगी इसको ध्यान से देखिए, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है। ऊपर प्रहलाद जोशी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये 13th सेशन है, 17वीं लोकसभा है, और इतने से इतने दिन 5 सिटिंग्स के साथ बुलाई गई। लेकिन आखिरी सेंटेंस पर गौर करिएगा जहां पे वो लिख रहे हैं, एमिड अमृतकाल लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फ्रूटफुल डिस्कशन एंड डिबेट इन पार्लियामेंट। और जो फोटो उन्होंने ट्वीट की है उस पर गौर फरमाइएगा, यहां पर दोनों पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही है, नई वाली भी दिख रही है जहां पर अभी तक कोई सेशन हुआ नहीं है, और दूसरी पार्लियामेंट भी दिख रही है जो अभी तक ऑपरेशनल है। तो क्या इससे कुछ समझा जाता है, 5 मीटिंग, स्पेशल सेशन, और उसके बाद ट्वीट में ये तस्वीर जहां पर दोनों ही पार्लियामेंट बिल्डिंग दिखाई दे रही है? विनीत, जी निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नए पार्लियामेंट में जिस तरह से संसद के सत्र को बुलाने की बात जो है वो की गई थी, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे थे कि पिछली बार जब भी मानसून सत्र हुआ था उस वक्त भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि संसद का जो मानसून सत्र है वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में आयोजित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी संसद का जो विशेष सत्र है हो सकता है, हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह हो सकता है कि जो ये विशेष सत्र हो वो संसद के नए बिल्डिंग में हो। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम बात करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि गुलामी के प्रतीकों को हटाना है, जिस तरह से पांच प्रण की बात उन्होंने की थी, नए भारत को दिखाना है, नए भारत के नए विश्वास को दिखाना है, तो नए भारत नए विश्वास के प्रतीक के तौर पर संसद के नए जो बिल्डिंग में तैयार हुआ है वहां पर इसकी जो आयोजन जो है वो वहां पर हो सकती है। लेकिन इसको लेकर के अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो की जानी बाकी है, लेकिन जिस तरह से प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, उन्होंने नए बिल्डिंग को दिखाया, पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग को दिखाया, उससे हम यह निश्चित तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जो संसद का विशेष सत्र हो उसका आयोजन पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में किया जाए। क्या उम्मीद की जाए कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रहलाद जोशी का ट्वीट आया है
क्या माना जाए कि शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्र में 5 बैठकों में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्या बड़ा हो सकता है, और साथ ही क्या ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि ये विशेष सत्र पुरानी इमारत में होगा या नई बिल्डिंग में होगा? जी अमित, निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि तस्वीर में साफ करने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, वो निश्चित तौर पर कुछ सरप्राइज जो है वो यहाँ पर देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर जो है वो तय हो जाएगी कि क्या यह जो बैठक है वो नए संसद भवन में होगा या पुराने संसद भवन में होगा, इसकी जानकारी तो अभी कुछ ही घंटों में लग जाएगी। लेकिन आखिर में क्या कुछ नया सरप्राइज एलिमेंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाते हैं, यह देखना अभी बड़ी बात होगी, क्योंकि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को पहले ही सबसे पहले खबर दिखाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत काल में बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं, हमने देखा कि वो उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो, 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे उस वक्त विकास की बात की जाएगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की का सपना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो बहुत संभव है कि जब संसद के नए सत्र में या फिर अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसमें कोई बड़ी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे। अभी तक जब जानकारी साफ नहीं है, सरकार की तरफ से पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हम सिर्फ संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा ये भी है कि क्या 2024 का जो आम चुनाव है, मतलब अर्ली पोल्स की बात हो सकती है, क्या चुनाव जल्दी हो ऐसी संभावना हो सकती है क्या, क्योंकि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसमें नीतीश कुमार हैं और जिसमें नवीन पटनायक हैं, वो तीनों उसकी बात कह चुके हैं को खत्म करने की बात की थी। और हमने देखा कि जब पिछला सत्र गया था वहां पर जो आईपीसी में परिवर्तन करने की बात में की गई थी, साफ तौर पे ये कहा गया था कि जिस तरह से जो कानून बनाए गए थे वो कानून काफी पुराने थे, जो कानून थे वो कहीं ना कहीं गुलाम मानसिकता को दर्शाने वाले थे, क्योंकि जो कानून थे वो ब्रिटिश कानून थे, औपनिवेशिक काल में बनाए गए कानून थे। तो निश्चित तौर पर वहां पर एक सरप्राइज एलिमेंट दिया गया था और आईपीसी सहित कई कूड़ों में चेंज करने की बात में की गई थी। तो हो सकता है कि निश्चित तौर पर जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा वहां पर भी कोई चेंजेज जो है उसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अमृत काल की बात की जा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर देश को कोई बड़ी सौगात जो है वो देना चाहेंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से लूनर मिशन जो है भारत का, जिस तरह से चंद्रयान में जिस तरह से उतरा और हमने देखा कि जब वो सारी बातें हैं। विनीत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है विनीत, आप तक आवाज आ रही है मेरी? विनीत, आप तक बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा सवाल विनीत आपसे ये था, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अर्ली पॉल्स को लेकर भी एक संभावना जताई जा रही है, 2024 का चुनाव जो आम चुनाव देश में होने जा रहा है क्या वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बारे में कह चुके हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक। चलिए, विशेष सत्र जो है वो 5 दिन तक चलेगा जिसमें 5 मीटिंग्स होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र बुलाया जा रहा है, यह विशेष सत्र होगा, स्पेशल सेशन, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। और उन्होंने अपने ट्वीट में जो बात लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ पॉजिटिव डिस्कशन हो, 5 सिटिंग्स हो, इस पर हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये ट्वीट हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, जहां पर वो लिख रहे हैं कि फ्रूटफुल डिस्कशंस एंड डिबेट इन पार्लियामेंट, और उसके साथ पार्लियामेंट की एक तस्वीर, गौर कीजिएगा, जिसमें दोनों इमारतें नजर आ रही हैं, नई भी और पुरानी भी। क्या इसमें कोई इशारा करना चाहते हैं? हालांकि आधिकारिक जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आई है, पूर्व में भी हमने देखा है मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं अचानक होती हैं जिसको एक सरप्राइज माना जाता है, कोई भी बड़ा फैसला या ब्रेकिंग सीधे तौर पर वहीं से निकलती है। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूं, यहां पर स्पेशल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है ये आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन हम संभावनाओं पर चर्चा करें। अर्ली पॉल्स को लेकर भी एक चर्चा है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक इस बारे में जिक्र भी कर चुके हैं।
आप हालांकि यह जो है वो अभी जो अर्ली पोल की बात है उसको लेकर के अभी कयास जो है वो लगाई जा सकती है, लेकिन हालांकि जब हमने इसको लेकर के सत्ता रूढ़ दल से बात की, बीजेपी से बात की या केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अर्ली पोल की संभावना जो है वो अभी उसको वो खारिज करते हैं। लेकिन अगर हम राजनीति के बारे में बात करें तो राजनीति जो है वो हमेशा से संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन अभी अर्ली पोल को लेकर के तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी जब तक कुछ ठोस घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर अर्ली पोल करवाना होगा तो इसकी जो घोषणा है वो केंद्र सरकार ही करेगी और उसके बाद चुनाव आयोग जो है उसको लेकर के फैसला लेगा, क्योंकि जो लोकसभा जो कार्यकाल जो है वो अभी बाकी है, वो अगले साल 2024 के मिड में खत्म होगा। तो अगर शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, इसके मायने क्या है, अभी हाल ही में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मिशन चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कराया और उसके बाद इस अमृत काल के दौरान सरकार की तरफ से विकास के तमाम काम किए जा रहे हैं, क्या उनका जिक्र करना है इस विशेष सत्र के दौरान या फिर सरकार की कुछ और यहां पर मंशा है, कोई और मकसद है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।